दोस्तों आज बनाई पालक की पकौड़ी, बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो ये देखिए फ्रेंड, पालक की पकौड़ी कितनी बढ़िया से बनी हुई है। नमस्ते दोस्तों, आज बनाएंगे पालक वाली पकौड़ी। तो कैसे बनाएंगे, पहले पालक को बारीक तरीके से काट लेंगे फ्रेंड, और इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। तो आधा कटोरी लिया बेसन, और ये काट लिया प्याज, ये एक चम्मच ले ली मिर्च, आधा चम्मच ले ली हल्दी पाउडर, ये डाल लिया धनिया पाउडर 2-3 चम्मच, और पालक को बेसन में मिक्स कर देंगे। ये डाल दिया नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच डाली इसमें मिर्ची, लाल मिर्च, इसमें मिक्स कर लेंगे फ्रेंड अच्छी तरह से। पालक हमारी बेसन में मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। ये डाल दिया थोड़ा और बेसन, पानी थोड़ा डालेंगे इसमें, और फ्रेंड बहुत स्वादिष्ट लगती है पालक की पकौड़ी वाली रेसिपी, हेल्दी भी और टेस्टी भी होती है बहुत। ये फ्रेंड डाल दिया धारा, रिफाइंड ले लें आप कोई सा भी। इसमें ये डाल दी पकौड़ी, चुवा दी इसमें, एकदम बढ़िया सी सिक जाएगी। थोड़ा सा ब्राउन हो जाए इसको भी निकाल लेंगे फ्रेंड। दोस्तों बहुत अच्छी लगती है खाने में ये रेसिपी पालक वाली पकौड़ी। ये देखिए हमारी सिक गई है अच्छी से, अब निकाल लेंगे ये हम। आप चाहें ऐसे भी खा सकते हैं चटनी के साथ, बहुत अच्छी लग रही है। देखिए फ्रेंड कितनी हेल्दी और टेस्टी भी लगती है खाने में, बहुत मुलायम भी है। तो ये डाल दिया सरसों का तेल, इसमें डाल दिया प्याज, ये सब मसाला मिक्स करके डाल दिया इसमें, अच्छी तरह से चला लेंगे मसाले को, मिला लेंगे एकदम मिक्स कर लेंगे फ्रेंड। ये डाल दिया बेसन वाला पानी, बेसन को घोल के डाल देंगे इसमें पानी। ये हमारी अच्छी तरह से घोल रही है फ्रेंड, देखिए कितने बुलबुले छोड़ रही है। बस हमारा तैयार हो गया है, 10 मिनट फ्रेंड लगेगा इसमें डाल देंगे पकौड़ी, 10 मिनट में ये हमारी पक जाएगी बढ़िया सी पकौड़ी वाली रेसिपी। इसमें डाल दी पकौड़ी, डाल दी एकदम, देखिए फ्रेंड कितनी बढ़िया लग रही है और बहुत हेल्दी और स्वादिष्ट लगती है। अब हम सर्व करेंगे, तो देखिए फ्रेंड किसी के साथ खाइए, रोटी के साथ, चावल के साथ, बहुत स्वादिष्ट लग रही है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए फ्रेंड, लाइक कमेंट ज़रूर करें हमारी ये रेसिपी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।